गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई भी शिष्य जब भी कभी बुद्ध को प्राप्त कर लेता तब उसे कहा जाता था कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञानवर्धन, उनकी जो आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयास करो और उनको सद्मार्ग पर लाओ। उनका एक शिष्य था जो 7 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई थी गुरुदेव, क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया है और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरी जगह पर अपना ज्ञान बांटो, और क्या मैंने बुद्ध प्राप्त नहीं किया है। तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। यह बात सुनकर वह शिष्य चिढ़ गया और कहने लगा, गुरुदेव आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा और कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वहीं बिताना और कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा तुम्हारा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा के उस गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया तुमने। तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया गुरुजी, वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमी पर फेंक कर, और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेजना, मैं जा करके ज्ञान वहां देकर आता हूँ। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां उन्होंने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी वही हालत थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, मैं आपको जमी पर फेंक कर भिक्षा दे रहा हूँ और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और आप भी बड़े ज्ञानी हो और दानी हो, आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद मैं जब वहाँ से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया, तब वहाँ से जड़ी बूटी लाने और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहा हूँ। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो,
जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आना, गुरुदेव मुझे कल फिर उसी गांव में भेजेगा, क्योंकि वहां बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं हैं प्यार को, और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और ज्ञान उन तक पहुंचा सकूं। सब ज्ञानी तो नहीं हैं, सब अनजान व्यक्ति से बात करने से डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उस गांव में गया था, वह सब बातें सुन रहा था और समझ रहा था, और गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव कमी तो मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया था लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया और मैं अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खा कर चला आया, और मार तो उन्होंने भी खाई लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। बुद्ध